नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल फेस्ट एक क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस वीडियो में विदेशी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले, जो आज के डेट में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, विदेशी आयोग की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विदेशी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो विदेशी एनएम 10709 पोस्ट का फॉर्म भरे और चाहते हैं यह वैकेंसी काउंसलिंग के आधार पर क्लियर, तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, 32,127 एनएम बहनों के लिए हमारे टीम लीडर सुरजीत सर का क्या योगदान है काउंसलिंग के रिगार्डिंग और सुप्रीम कोर्ट केस के रिगार्डिंग, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके टॉपिक वाइज डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बताने वाले हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों 32,127 एनएम बहनों के लिए सुरजीत सर, हमारे टीम लीडर सुरजीत सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। आप खुद देख रहे हैं जो 29 अप्रैल को ही हम लोग को फाइनल डिवीजन बैच का जजमेंट मिला था और 3 महीना होने को है, ये 29 जुलाई आ जाएगा तो 3 महीना हो जाएगा, और अभी तक मुख्यमंत्री सचिवालय तक भी कोई लेटर नहीं दिया था, नहीं मुख्य सचिव को लेटर दिया था। इस वैकेंसी से अवगत ही नहीं करवाया गया था मुख्यमंत्री साहब का, जो इस वैकेंसी में क्या चल रही है। और हमारे सुजी सर मुख्यमंत्री सचिवालय से लेके मुख्य सचिव से लेके सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और विटेसी आयोग सभी जगह लेटर दिए हैं, लेटर पे कार्रवाई भी हो गई है, टीम गठित हो गई है काउंसलिंग के लिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस को लेके आप खुद देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के टॉप मोस्ट वकील को सुरजीत सर हायर किए। तो 32,127 एनएम बहनों के लिए सुबह से लेके शाम तक हमारे टीम लीडर सुरजीत सर मेहनत कर रहे हैं। सुरजीत सर का सबसे बड़ा योगदान है, सिंगल मैन से लेके अभी तक सुरजीत सर के बदौलत ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे। सुरजीत सर अपने बुद्धि और विवेक के कारण ही हम लोग को यहाँ तक पहुँचा है, आज तक किसी से सहायता नहीं लिए, अपने बुद्धि और विवेक के बल पे केस जीते आए हैं। ठीक है, सिंगल मैच में जीते, डबल मैच में जीते और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग जीते अपने बुद्धि और विवेक के कारण। ठीक है, इसीलिए इस वैकेंसी में विदेशी एनएम 10709 पोस्ट की वैकेंसी में सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे सुरजीत सर का योगदान है। ठीक है, आगे अगर काउंसलिंग अभी हो रही है तो सुरजीत सर के बदौलत ही काउंसलिंग हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी हम लोग जीतेंगे तो सुरजीत सर के बदौलत ही केस जीतेंगे। ठीक है, इसीलिए 32,127 एनएम बहनों को एक ही चीज़ हम कहेंगे, ओनली फॉर सुरजीत सर को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगर सुरजीत सर को सपोर्ट नहीं किए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा आप खुद देख लीजिए। 7 जनवरी के सिंगल मैच में फर्स्ट हेरिंग डेट आई थी, 7 जनवरी को फर्स्ट हेरिंग डेट, और अभी देख लीजिए जुलाई चल रही है, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा, कितना संघर्ष करना पड़ा, आप लोग खुद इसे वाकिफ है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अभी यहाँ से अगर हम पीछे लौटेंगे, अगर यहाँ से अगर पेमेंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट में केस हारेंगे तो कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। इसीलिए बीटीएससी एनएम 10709 पोस्ट की वैकेंसी में सबसे बड़ा योगदान है तो हमारे टीम लीडर सुरजीत सर का, इसलिए 32,127 एनएम बहन सुरजीत सर को सपोर्ट कीजिए। 7.5 लाख हो चुका है आप लोग जो सहयोग राशि दिए हैं, टोटल 11 लाख सहयोग राशि देना है, ये आपको भी पता है। ठीक है, ताकि पेमेंट का कहानी ही समाप्त हो जाए, सुप्रीम कोर्ट में टॉप मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के वकील सुरजीत सर हायर किए। ठीक, और यहाँ नियमावली की लड़ाई है, इसलिए 100% हम लोग की जीत होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको परेशान होना, हम ये नहीं कह रहे जय और भी लोग गलत हैं, सब अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहाँ पे आपको ही पता होना चाहिए जो नियमावली की लड़ाई है, इसलिए 100% हम लोग की जीत होगी। आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, काउंसलिंग के लिए बहुत जल्द आपको लेटर देखने को मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट में भी 100% आपको बहुत जल्द न्यू हेयरिंग डेट देखने को मिलेगी, क्योंकि सुरजीत सर इस पर लगे हुए हैं, पूरे तन मन धन से इस वैकेंसी में सुरजीत सर लगे हुए, नाइट में ड्यूटी करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक 32,127 एनएम बहनों के लिए सर वर्क करते हैं। इसीलिए सभी लोग दिल खोल के
अंत भला तो सब भला, सूरी सर को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगर सूरी सर नहीं रहते तो आज तक हम लोग नहीं सिंगल मैच में जीतते, नहीं डबल मैच में जीतते, यहाँ तक नहीं पहुँचते, ठीक है। इसलिए आप लोग नेट में पूछते रह गए जो सर सूरी सर के इस वैकेंसी में क्या योगदान, हम बोले थे मॉर्निंग हो आपको बताएंगे, ठीक है। तो सभी लोग सूरी सर को दिल खोल के सपोर्ट कीजिए, बहुत जल्द आपको हेयरिंग डेट और काउंसलिंग के लिए लेटर देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं क्लास के बारे में। देखिए 15 जुलाई से आपको धुआंधार बैच स्टार्ट हो रही है, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स परचेज नहीं किए फटाफट परचेज कर लीजिए। मेरा स्कैनर लगा हुआ है, मेरा नंबर लगा हुआ है, ठीक है। सभी लोग फोन पे गूगल पे पेटीएम से 399 रुपया आप लोग को पे करना है, और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, जो नंबर ग्रुप में ऐड करना चाहिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और 15 जुलाई से धुआंधार बैच स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अभी ऑफर चल रही है, 15 जुलाई के बाद ऑफर समाप्त हो जाएगी। ये अभी 399 है तो ये 499 में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 100 रुपया एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको 100 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। इसीलिए सभी स्टूडेंट जोर शोर से बैच परचेज कर लीजिए, और इस बार पूरे तैयारी के साथ आपको क्लास करवा रहे हैं, ठीक है। पिछला बार कुछ तैयारी नहीं था, फिर भी कितना संख्या में मेरा बच्चा पास किया था, ठीक। और इस बार तो पूरी तैयारी के साथ हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, तो सोचिए इस बार जो है कितना बच्चा पास करेगा। इसलिए फटाफट सभी स्टूडेंट बैच परचेज कर लीजिए। थोड़ा सा तबीयत तो अस्वस्थ है, इसलिए आवाज़ थोड़ा सा फंसता होगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम आपको अपडेट समय से देंगे, अपडेट हम समय से आपको लेके आएंगे और क्लास भी समय से लेके आएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको परेशान होना, लाइट भी कटी हुई है फिर भी हम आपको अपडेट दे रहे हैं, ठीक है। समस्या के आना पार्ट ऑफ लाइफ है, जब तक आपको लाइफ है ये समस्या आएगा ही आएगा, और ये समस्या से झेलते हुए इसके खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ, इसी को कहते हैं जीवन जीने की कला। इसलिए थोड़ा सा भी घबराने की आवश्यकता नहीं, जब हम नहीं घबरा रहे फिर आपको क्यों घबराना। जितना हो सके इस वीडियो को सोशल मीडिया पर आप लोग शेयर कीजिए, और 12 बजे आते हैं तो डिटेल्स में हम आपको बताने वाले हैं, सभी टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपको क्लास भी करवाने वाले हैं। इसलिए 12 बजे लाइव आना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।